सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिराज रुचकी हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर जो लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वो काफ़ी बड़ी अपडेट है, और एक नौकरानी को जो है वो केस दर्ज किया गया है और वो घर से जो है कुछ चीज़ों को लेकर भाग चुकी है। तो वो क्या अपडेट क्या नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कोवैक्सीन लगा रखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें। इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट दिया गया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारे लोग बोले जो लिंक है वो कहाँ पर है, तो आप जैसे ही टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक लिंक दिखाई दे जाएगा, सिर्फ उस पर आपको जाना है और जो नॉर्मली चीज़ आपसे मांगी जाएंगे उस पर जाके भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। 572 लोगों को, 500 से प्लस लोग हैं जो क्या डिपोर्ट जो सेंटर हैं उसमें भेजा गया है, और उनको बहुत ही जल्दी जो है डिपोर्ट वगैरह कर दिया जाएगा। और ये सारे वो लोग हैं जो कि लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते थे, और इनको अलग अलग कंट्री में भेजा जाएगा जिस कंट्री के भी ये लोग हैं। ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर अभी जो डिपोर्ट करने का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। अलग अलग कंट्रियों के लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, अलग अलग कंट्रियों में भेजा जा रहा है, लेकिन जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उन लोगों को ही भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक नौकरानी के हवाले से अपडेट आ रही है। एक नौकरानी को जो है रखा गया था एक घर में, जो क्या वो बुज़ुर्ग औरत थी उसको देखभाली करने के लिए, और जैसे ही वो रखा गया तो बुज़ुर्ग औरत का वो जो थी मोबाइल भी लेके भाग गई, और 400 प्लस जो केडी थे, लगभग 470 केडी बताए जा रहे हैं न्यूज़ के थ्रू, तो वो लेकर भी भाग गई है, और उसके खिलाफ जो है केस वगैरह दर्ज कर लिया गया है। अब जो है उसकी तलाश जारी है। अगर कहीं पे भी आप काम करते हैं, आपको बताने का मकसद यही है, कहीं पे भी काम करते हैं लालच में ना पड़ें, किसी भी तरीके से नीयत ख़राब ना करें, क्योंकि कहीं पे भी आप रहते हैं तो आपको जब अपने देश आना होगा तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से आना होगा, और उस टाइम पे आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको हो सकता है इसकी काफ़ी बड़ी सज़ा दे दी जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं कुवैत के अंदर, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहला तरीका है उनके पास में, या तो वो अपना सारा जो भी उन पर जुर्माना है वो भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करें, वीज़ा का प्रोसेस जो है जो भी कंप्लीट वो है कमा वगैरह लगा लें, और उसके बाद में अपने कुवैत को छोड़ दें, फिर वहीं पर काम करना शुरू कर दें। सिर्फ उनके पास में ये रास्ता है, बाकी दूसरा रास्ता ये है, अगर कभी भी उनको पकड़ लिया गया मिनिस्ट्री की टीमों की तरफ से, तो बाद में यही है क्या उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को 5 साल के लिए, बहुत सारे लोगों को हमेशा के लिए, वो अलग अलग कंडीशन है, वो डिपेंड करता है जब उन लोगों को पकड़ा जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।